Hey guys, welcome back to my channel. और आज की वीडियो is going to be my current makeup routine. काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आजकल किस तरह का मेकअप कर रही हूँ, बिकॉज यू गाइज लाइक इट आई गेस. सो इट्स सुपर ईजी. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब डाउन बिलो. दैट विल मीन अ लॉट टू मी एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Okay, so I just got this spoon from my fridge because I want to deep off my skin a little bit. I've already moisturized my skin, but I just want to put a bit more of the moisturizer on. By the way, I'm using Nivea Soft. This is what I've been doing recently. I've been pulling my skin up a little bit like that. I don't want my skin to sag, you know. I'm so sorry for that sound. Matlab mere literally ghar ke bahir, matlab there's this window right by me, and literally uske bahir log iron rods kaat rahe hain. I wish I was kidding, but I'm not. जैसा भी आपकी स्किन पे सूट करता हो, गो फॉर दैट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे करने लगी हूँ अपने फेस में. जब तक यू नो योर स्किन इज इन नाइस एंड प्लम्प एंड फ्रेश, तब तक आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा. Okay, so we're just going to switch to voice over now because I can't really do anything about this. Okay, so we're not going to bum out about this and we're going to continue with our makeup. तो मैंने थोड़ा तब में आके ज़्यादा सनब्लॉक लगा लिया था. This is the Bioderma 50+ SPF. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा प्राइस के साथ. I've been using the sunblock recently क्योंकि ये काफ़ी easily स्किन में absorb हो जाता है. So I've been personally really liking it. I'm then going in with the Himani BB cream और मेरा shade इसके अंदर light है. और मैं brush के साथ इसे prefer करती हूँ apply करना क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है ब्रश के साथ. और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे थोड़ा सा, जो भी मुझे लगता है कि ब्लेंडेड पार्ट्स इतने नहीं है, आई जस्ट गो ओवर देम अ लिटिल बिट. कीप इन माइंड कि ये काफ़ी शेयर कवरेज है तो मेरे लिए ये एवरीडे बेसिस पे सही होती है. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हाई कवरेज जाना है तो मैं फाउंडेशन रिकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ गो चेक दम आउट. देन आई गो विथ रेडियंस रिवील कंसीलर फ्रॉम बोर्जुआ और ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया एंड आई रियली रियली लाइक द टेक्स्चर ऑफ दिस. काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी और बिल्कुल क्रीसिंग नहीं होती और आपको इजीली किसी भी बोर्जुआ के काउंटर पे मिल जाएगा. आई थिंक ये अल्फता वगैरह में होते हैं इनके काउंटर्स, किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको मिल जाएगा. एंड इट्स रियली रियली नाइस एंड या आई हैव बीन रियली लाइकिंग इट रिसेंटली. उसके अलावा आई जस्ट लाइक गो ओवर इट एंड आई डोंट हाईलाइट टू मच. Then I'm going to set my under eyes with this matte highlighter from Luscious Matte Drama Kit. ये काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है मुझे और ये पाउडर इज लिटरली जस्ट मैजिक. उसके बाद मुझे ये फ्री सैम्पल साइज़ मिला था लशेस की, जो नॉर्मल कॉन्टोर किट है उसका, तो मैं उसके साथ कॉन्टोर कर रही हूँ ब्यूटीफाई आमना के ब्रश के साथ. और थोड़ा सा मैंने, जैसे कि आपने देखा कि अपने हाथ पे डैब किया है जस्ट टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस, गो इन लाइक द होलोज ऑफ माई चीक और थोड़ा सा कॉन्टोर एरियाज में मैं करती हूँ. देन आई एम गोइंग इन विद द वेट एंड वाइल्ड पर्लसेंट पिंक ब्लश जो कि आई पुट लिटरली ऑल ओवर माई फेस. यू गाइस नो आई लव टू डू द चीक्स एंड नोज सॉर्ट ऑफ अ ब्लश एंड देन रिमाइंडर मैं अपने फोरहेड पे और चिन पे भी लगा लेती हूँ जस्ट टू गिव दैट पिंकी सॉर्ट ऑफ अ लुक. देन आई एम गोइंग इन विथ माई ब्राउज. अब ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी स्टेप करना हर किसी के लिए, लेकिन अगर आप पिक्चर्स लेने वाले हो जब आप ये मेकअप कर रहे हो तो डू योर ब्राउज फॉर श्योर, क्योंकि फिल्टर्स लगाते हैं पिक्चर्स पे, एक्सपोजर बढ़ाते हैं कम करते हैं तो ब्राउज गायब हो जाते हैं. इसलिए दिस रैंडम ब्लैक और ब्राउन शेड मिक्स करके और इससे मैं अपने ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ. और उसके बाद आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस आई लाइनर जो मैंने आई गेस सेकेंड टाइम सिर्फ यूज़ किया है. ये रिमल का लाइनर है. आई रियली डोंट लव इट, लेकिन ये विंग्स के लिए बहुत अच्छा है. इसकी फेल्ट टिप बहुत ज़्यादा पतली है लेकिन इसमें से इतना ब्लैक कलर नहीं आता जितना मुझे पसंद है. सो यू नो इट्स जस्ट लाइक अ विन लूज सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. सो फॉर लाइनर अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि मैं किस तरह लगाती हूँ एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई डू इट. सबसे पहले मैं अपने आईलेट पे एक लाइन बनाती हूँ एंड देन आई जस्ट ड्रैग दैट लाइन आउट इन सॉर्ट ऑफ आउटलाइन पहले और उसके बाद मैं उसे फिल इन करती हूँ जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर ब्लैकर जितना मुझे चाहिए होता है. इससे विंग काफ़ी अच्छी बन जाती है. एंड देन आई गो ऑन टॉप विद स्वीट फेस कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लाइनर जो कि काफ़ी अच्छा और ब्लैक है, तो वो आपकी लैश लाइन को अच्छे से कंसील कर देता है इफ़ दैट्स समथिंग यू आर लुकिंग फॉर. लेकिन आई रियली लाइक दिस वन फॉर द विंग्स, सो यू नो आई विल जस्ट बी मिक्सिंग एंड मैचिंग आई थिंक.
आई एम गोइंग इन विद दिस ब्यूटी वर्ल्ड की हाईलाइटर किट और इसमें से मैं ये गोल्ड और पिंक सा शेड लेके यूज़ कर रही हूँ. लेकिन फॉर दिस टू नॉट बी चंकी आपने इसको सिर्फ अपने फिंगर्स के साथ यूज़ करना है. मैंने इसे बहुत डिफरेंट ब्रशेज़ के साथ यूज़ करके देखा है, इट डजेंट वर्क. यू यूज़ इट विद योर फिंगर्स और थोड़ा सा आप इसे डैब कर दो तो ये मेटालिक बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड देन यू कैन टोटली यूज़ दिस एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. अगेन टॉप्स ऑफ माई चीक बोन्स और इनर कॉर्नर्स पे लगाती हूँ मैं और नोज़ पे भी. देन वी आर गोइंग इन विथ मस्कारा और मेरा फेवरेट मस्कारा अभी तक यही है, लैंकोम मोंसियोर बिग. आई नो इट्स एक्सपेंसिव मस्कारा बट इट इज़ सो गुड यू गाइज. मतलब आप अभी खुद देखोगे कि इट्स सो अमेजिंग एंड आई जस्ट लव इट. आई गॉट इट डायरेक्टली फ्रॉम सफोरा सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू गाइज. किसी ऑथेंटिक पेज से आप प्री ऑर्डर कर सकते हो इससे. मैं कुछ ऑथेंटिक पेजेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी दफ़ा मेंशन किए हैं कुछ पेजेस दैट आई रियली डिडली ट्रस्ट और आप वहाँ से प्री ऑर्डर कर सकते हो. सो या इट्स रियली ग्रेट मस्कारा एंड मेरा कोई और मस्कारा यूज़ करने का दिल नहीं करता इसके सामने. आई जस्ट लव इट सो मच. I just take a spoolie to sort of naturalize the look a bit. अगर ज़्यादा clumpy हो जाए तो and you can see how beautiful that mascara looks. But then I'm gonna go in with this Kat Von D की mini lipstick in the shade Mother. Rosy सा pink color है, छोटी सी है and actually works like a lip liner. तो मेरे छोटे से lips पे आसानी होती है ये लगाने में. लेकिन जो Iden Mindrills की coarse bar lipstick is a very good dupe for this color और Midora की pink truffle is also a very good dupe. That is almost an exact match for this color. Uska main shade number description box mein de dungi, so don't forget to check that. I really like how this look turned out. Obviously, use some setting spray, something like that. At the end of this, main bilkul bhool gayi thi, but I use NYX Dewy Finish setting spray generally. So yeah, this is the finished look. I hope you guys enjoyed it. Details in the description box, and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.